हेलो वॉकेट्स। तो आज हम सीखेंगे कि हम कैसे अपने रूम को नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। अगर हमारा रूम नीट एंड क्लीन रहेगा तो वो बहुत ब्यूटीफुल लगेगा और मम्मा भी बहुत हैप्पी रहेगी। हम मम्मा की हेल्प भी कर सकते हैं अपने रूम में जो ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनको प्रॉपर प्लेसेस पे रखकर। हमने पहले सीखा था कि हम कैसे अपने टॉयज को, अपनी बुक्स को उनकी प्रॉपर प्लेस पे रख सकते हैं, और हमने की थी स्टैकिंग। तो स्टैकिंग क्या थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पहले बिग ऑब्जेक्ट, फिर उससे छोटी और फिर सबसे छोटी को प्लेस करना। सो दिस वी कॉल्ड स्टैकिंग। तो आज हम वही सीखेंगे स्टैकिंग को, पर हम करेंगे अब क्लोथ्स में। तो पहले हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने स्मॉल स्मॉल क्लोथ्स होते हैं, जैसे हैंकी या सॉक्स या आपकी टी शर्ट्स, तो उनको हम कैसे फोल्ड करेंगे। ओके, स्लोली स्लोली हम फोल्ड करेंगे। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम उसको परफेक्टली कर सकते हैं, और ऐसे ही कर हम उनको प्रॉपर प्लेसेस पे, उनकी जैसे शेल्व्स हुई वहां पे हम रख सकते हैं। सो शैल वी स्टार्ट। सो लुक हियर, दिस इज अ हैंकी। सो दिस इज द फ्रंट साइड ऑफ द हैंकी। तो हम क्या करेंगे, हैंकी को हम उसकी इनर साइड निकालेंगे। ओके, अभी देख रहे हो आप हैंकी प्रॉपर है। हम पहले जो क्रश्ड हैंकी है उसे प्रॉपरली ऐसे प्लेस करेंगे, देन वी विल टेक द टू कॉर्नर्स। ओके, अब हैंकी के कितने कॉर्नर्स हैं, फोर कॉर्नर्स, 1, 2, 3 एंड 4। तो पहले हमने एक साइड से हैंकी को ऐसे पकड़ लिया उसके कॉर्नर से, अब हम उसको फोल्ड करेंगे। तो फोल्ड जब आप करोगे तो आपने क्या देखना है कि उसके कॉर्नर्स मीट करें। ओके, जो नीचे दो कॉर्नर से ऊपर वाले कॉर्नर वहां पर मीट कर गए। ओके, नाउ प्रेस इट। सो नाउ सी द शेप हैज चेंज, नाउ इट हैज बिकम रेक्टेंगल। नाउ वी विल फोल्ड इट अगेन। तो फोल्ड जब करेंगे तो क्या करेंगे, वी विल फोल्ड इट लाइक दिस सो दैट इट विल आल्सो मैच। ओके, कई बार हम क्या करते हैं, फोल्ड करते हैं ऐसे फोल्ड कर देंगे, नो, या फिर हम करते हैं ऐसे फोल्ड, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग। सो वॉट वी डू, वी विल प्लेस इट इन अ प्रॉपर मैनर। ओके, सो दैट ऑल द साइड्स विल मीट। सो नाउ सी दिस इज अगेन अ स्क्वेयर, बट अब आप देख सकते हो इसका साइज थोड़ा सा स्मॉल हो गया है एंड इट लुक वेरी नाइस। तो हमने हैंकी को फोल्ड कर लिया। नाउ वी विल प्लेस इट हेयर। नाउ वी विल टेक वन मोर क्लोथ। सो नाउ सी दिस इज अ टी शर्ट, वेरी ब्यूटिफुल टी शर्ट। तो कई बार ये टी शर्ट ऐसे ही होती है, तो आप क्या करोगे, आप उसे पकड़ोगे और उसकी जो बैक साइड है उसको इस वे में आप रखोगे। ओके, नाउ वॉट वी डू, फर्स्ट वी स्टार्ट फ्रॉम जहाँ से आपकी आर्म्स होती हैं उस साइड से। सो फोल्ड इट लाइक दिस, अ स्मॉल फोल्ड। ओके, देन जो इसकी आर्म्स हैं उसको भी आप इस साइड पे प्रेस कर दो। ऐसे ही रिपीट करो एक्शन लाइक दिस। तो हमने क्या किया है, उसको प्रॉपर उसकी फोल्ड्स बना रहे हैं और फिर आर्म को आप फोल्ड कर दो। ओके, आपने ऐसे उसको होल्ड कर लेना है, पूरी टी शर्ट को होल्ड करोगे और उसे आप यहाँ तक प्रॉपर उसकी जो साइड है वहां तक फोल्ड ले आओगे। ओके, नाउ टर्न इट, सी इट हैज आल्सो बीन फोल्डेड वेरी नाइसली लाइक द हैंकी। तो अब हम स्टैकिंग कैसे करेंगे इसकी, क्या हम टी शर्ट को हैंकी पे रखेंगे, नो। साइज किसका बिग है, टी शर्ट का। तो टी शर्ट पहले, देन योर हैंकी, प्लेस इट ओवर हेयर सो इट लुक्स वेरी नाइस। ओके, सो ट्राई दीज थिंग्स एट योर होम एंड मेक योर मामा हैप्पी।